हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कोर हाई आई एम अर्शिता अगरवाल एंड इन करेंट अफेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्कस ऑफ इंडिया तो इंडिया में कई सारे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स हैं जैसे एक बहुत बड़ा एरिया होता है उसमें कई कंपनीज होती हैं छोटी कंपनीज बड़ी कंपनीज होती हैं और बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं पर जिसकी जमीन होती है उनको रेंट देना होता है तो इन कंपनीज के लिए जो कंपनीज uh, है जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में है उनके लिए रेंटल वेवर अनाउंस कर दिया गया है कोविड नाइन्टीन को के चलते हुए नो ये पर्टिकुलर टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया क्या मेजर्स ले रही है गवर्नमेंट कोविड नाइन्टीन के स्प्रेड को रोकने के लिए और कैसे लोगों की लाइफ ईजी बनाने के लिए और इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए ठीक है नाउ लेट्स डिस्कस So, in the light of the current coronavirus pandemic, the Ministry of Electronics and Information Technology has decided to provide rental waiver to IT companies housed in housed in Software Technology Parks of India. Sorry, <laughs> Software Technology Parks of India premises in the country from March to June, that is four months period as of now. तो अभी जो मिनिस्ट्री uh, ऑफ है टेक्नोलॉजी ने जो भी कंपनीज है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स में इंडिया में उनको चार महीने का वेवर दिया है रेंट वेवर तो ये जो रेंट वेवर है ये रिलीफ प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्री को जो एक क्राइसिस चल रहा है क्योंकि ज्यादातर यूनिट्स इसमें जो टेक एमएसएमई होती है, MS, है स्टार्टअप्स होती है जैसे मेजर uh, आपको ये मेट्रो सिटीज में दिखेंगी मेजरली टेक्नोलॉजी पार्क्स जैसे बेंगलोर पुणे मुंबई हैदराबाद वहां पे बहुत सारी दिखेंगी नॉट दिस एफर्ट इज़ ऑल्सो इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ अराउंड थ्री थाउजेंड आई टी एम्प्लॉयज हुई डिरेक्टली सपोर्टेड बाई दिस यूनिट्स कि ओब्वियसली उनके लिए भी है कि अगर कंपनीज को रेंट देना होगा मान लो कंपनी को रेंट देना है रेंट देना होगा तो उसका पैसा यहाँ से चला जाएगा फिर जो उसके पास पैसा नहीं बचेगा तो कहाँ से Uh, अपनी एम्प्लॉयज को सैलरी देगी तो सैलरी काटने लगेगी एम्प्लॉयज की तो ये बेसिकली इनडायरेक्टली जो एम्प्लॉयज है वहां पे जो काम करते हैं ऐसी यूनिट्स में उनको भी सपोर्ट करने के लिए है ठीक है नो अबाउट सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया अभी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है कभी भी क्वेश्चन बन सकता है एक ऑटोनोमस सोसाइटी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 1991 में बना था विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनकरेजिंग प्रमोटिंग एंड बूस्टिंग द एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर इंडिया हमें पता है कि हमारी कंट्री में सर्विस कर, कर रही है और इवन जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो सबसे ज्यादा तो ये 1991 में बना था सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया गवर्निंग काउंसिल्स चेयरपर्सन इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो ये इम्पोर्टेंट है एक ऑटोनोमस सोसाइटी है नाइनटीन नाइनटी वन में बना और इसके जो गवर्निंग काउंसिल काउंसिल के चेयर चेयरमैन है वो है यूनियन मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है फिर ऐसे ही एक एस स्कीम है वो स्कीम क्या है इट इज़ हंड्रेड परसेंट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्कीम फॉर द डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज यूजिंग कम्युनिकेशन लिंक्स और फिजिकल मीडिया तो जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए

फॉर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर सर्विसेज ये हमने पढ़ लिया टू प्रोवाइड स्टैचूचरी एंड अदर प्रोमोशनल सर्विसेज टू द एक्सपोर्टर्स सर्विसेज प्रोवाइड करना ठीक है डेटा कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करना प्रमोट करना माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को ताकि उनके लिए कंड्यूसिव एन्वायरमेंट बना सके इस्टेब्लिश एंड मैनेज इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज जैसे डेटा कॉम फैसिलिटीज होती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है कंसल्टेंसी होती है ऐसी फैसिलिटीज को सपोर्ट करना तो so, ये सब इसके ऑब्जेक्टिव है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया को गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है और इनडिरेक्टली एम्प्लॉयज को कैसे सपोर्ट कर रही है सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक प्लीज सब्सक्राइब टू आर चैनल इफ यू लाइक द वीडियोज एंड Do follow us. So, we'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.